अनोखी है अनमोल है सपनों में ले जाएंगी ढेर सारी कहानियाँ अब नानी हमें सुनाएंगी क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ क्योंकि ये है नानी की कहानियाँ नानी कहानी सुनाओ ना प्लीज अच्छा तो सुनो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ सिंदबाद जहाजी की कहानी वो जो बहुत बड़ा सौदागर था नानी कौन सिंदबाद पहले सुनो तो सही वाओ, मजा आएगा। बच्चों बहुत दिनों की बात है जब राजा चद्रवत का राज्य था तो वहाँ पर शहर में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था सिंदबाद वो बेचारा लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने कंधों पर उठा कर ले जाया करता था और यूं अपनी रोजी कमाता था एक दिन वो शहर के एक जगह से सामान उठाए चला जा रहा था कि बेचारा धूप की गर्मी से तंग आकर एक बहुत अच्छे मकान की छाया में थोड़ी देर आराम करने बैठ गया थोड़ी देर में उसे घर के भीतर से बड़े स्वादिष्ट खाने की अच्छी सी खुशबू आने लगी और बहुत से लोगों की बातें करने की आवाजें भी आ रही थी उसने हिम्मत करके उस घर के द्वारपालक से पूछा भैया ये किसका घर है तो द्वारपालक बोला तुम्हें नहीं पता ये बड़े जाने माने व्यापारी हैं मेरे मालिक का नाम सिंदबाद जहाजी है उस पर सिंदबाद चौंक कर पूछने लगा अच्छा बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं आपके मालिक तो और बहुत भाग्यवान भी अब देखो किस्मत की बात है हम दोनों का नाम है तो सिंदबाद लेकिन एक वो सिंदबाद जो इतने अमीर हैं और एक मैं सिंदबाद जो इतना गरीब आखिर उनमें ऐसी क्या बात है कि वे इतने ऐशो आराम का जीवन जीते हैं और मैं इतनी मेहनत करके भी भूखा मरता हूँ तभी द्वारपालक बोला चलो चलो ज्यादा मत बोलो चलो उठो और अपने रास्ते चलो इतने में उस घर के मालिक सिंदबाद ने भीतर से आवाज लगाई ठहरो इस आदमी को भीतर भेज दो तो द्वारपालक बिल्कुल सकपका गया और कहा जी सरकार अभी लीजिए अबे सुना नहीं चल जल्दी से भीतर अरे भागने की कहां कोशिश करता है चल भीतर सीधी तरह से सिंदबाद ने कहा माफ करना मुझसे भूल हो गई मुझे अब जाने दो मेरी मजदूरी का समय खत्म हो रहा है तो द्वारपालक बोला अरे चलो अंदर सर ने तुमको बुलाया है सिंदबाद ने कहा मगर द्वारपालक जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ तो सिंदबाद बोला अरे भाई अंदर आ जाओ घबराओ नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें खाना खिलाने के लिए अंदर बुला रहा हूँ अब ये सिंदबाद उस पे बोला जी सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ आप लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ मैं तो एक साधारण कूली हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए सर अच्छा अब मैं चलता हूँ सिंदबाद ने कहा अरे भाई घबराओ नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ आ जाओ थोड़ा सा खाना खा लो द्वारपालक ने कहा अरे चलो शायद तेरी किस्मत ही बदल जाए सिंदबाद ने सोचकर कहा अच्छा जी आप लोग कह रहे हो तो मैं गरीब कैसे इनकार कर सकता हूँ सिंदबाद ने कहा हाँ भाई ये आपने सही कहा था कि ये किस्मत ही है कि मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ और आप इतनी मेहनत मजदूरी के बावजूद भूखे रह जाते हो सिंदबाद ने कहा सर मुझे क्षमा कर दीजिए धूप के कारण मेरी अकल भी खत्म हो गई थी कुछ सामान का बोझ और कुछ अपनी समस्याओं ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया था सिंदबाद ने कहा मेरे मित्र इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पैसा जो तुम्हें दिख रहा है ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और इसे कमाने के लिए कई बार मैंने अपने आप को बहुत बहुत समस्या में भी डाला है
मैंने दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर बड़ी से बड़ी समस्या का भी सामना किया है। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी कहानी भी तुम्हें सुनाऊं। तो सिंदबाद ने कहा, सर मैं बहुत माफी चाहता हूं। वैसे मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तो सारी रात भी यहाँ बैठने को तैयार हूँ। जैसे हम आपकी कहानी सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। फिर सिंदबाद ने अपनी कहानी शुरू की। मैं घर में अकेला ही था। मेरे पिताजी ने मुझे ही उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया था। शुरुआत में तो मैंने ये पैसा बिना सोच विचार किए बस ऐसे ही खर्च किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि इस तरह से तो ये सारा पैसा बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने अपने बाकी पैसों से एक बदवानी जहाज खरीदा और उस जहाज में माल और कपड़ा पूरा भर लिया और सोचा कि विदेश में जाकर व्यापार करेंगे। सो मैं यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद हम एक देश के तट के पास कुछ द्वीपों में पहुंच गए। वहां हमने अपना माल बेचा और वहां का माल खरीदा। इसमें हमें बहुत फायदा हुआ। फिर खाने पीने का नया सामान लेकर हम अपनी यात्रा पर दोबारा निकल पड़े और एक दिन हम एक छोटे से टापू के पास पहुंचे तो जहाज के नायक ने कहा, आप में से जो लोग इस टापू की सैर करना चाहते हो वो इन छोटी नौकाओं में बैठकर चले जाएं और थोड़ी देर वहां सैर करके वापस आ जाएं, क्योंकि अभी हवा रुकी हुई है और हमें हवा के चलने का इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरा एक दोस्त बोला, क्यों भाई सिंदबाद, चलें, थोड़ी देर के लिए जरा आराम कर लेते हैं, देखो कैसा अच्छा टापू दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा, हाँ हाँ चलिए जरूर। और जहाज के जितने भी बाकी सैलानी थे उन्होंने भी कहा, हम भी चलेंगे, हाँ हाँ चलो चलो। फिर मेरे दोस्त ने कहा, वाह भाई वाह, ये तो अजीब शहर है, न पेड़ न पत्थर और देखो ये घास भी कैसे नकली लग रही है। तो मैंने कहा, हाँ ये तो वाकई अजीब प्रकार की घास है। मेरा दोस्त बोला, भैया सिंदबाद देखो, यहाँ तो एक पक्षी तक भी नहीं दिख रहा, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने कहा, बात तो आपकी ठीक है, मुझे भी कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। फिर मेरा दोस्त बोला, अरे सारी जमीन हिल रही है, भूकंप आ रहा है। जहाज के बाकी सैलानी भी बोले, भागो भागो, बचाओ बचाओ। मेरा दोस्त बोला, वो देखो कुछ लोग नौकाओं तक पहुंच रहे हैं और मुझे देखा कि कुछ लोग जहाज की तरफ भी दौड़ रहे हैं। मेरा दोस्त बोला, अरे ये टापू नहीं है। जहाज के बाकी लोग बोले, अरे ये तो व्हेल मछली है, बहुत बड़ी, जिसकी पीठ पर हम बैठे हुए हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो सिंदबाद बोला कि मैं ना तो नौकाओं तक पहुंचा और ना जहाज तक पहुंच सका। एक लकड़ियों की गठरी जो मैंने जहाज से आग जलाने के लिए रखी हुई थी उसे मैंने पकड़ लिया। मैं जहाज से दूर था और तेजी से फासला और बढ़ता जा रहा था और जहाज मुझसे दूर होता गया और तूफान बढ़ता ही चला गया। तूफान के थपेड़ों से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं एक और टापू पर सूखी रेत पर और आधा पानी में पड़ा हुआ था। किस्मत ने मेरी जान तो बचा ली मगर भगवान जाने मैं कहां पहुंच गया था। मैंने अपनी आंखें खोली और नीले आकाश को देखा और फिर पेड़ों को और निहायत ही पथरीली और भयानक समुद्री तट मुझे दिखाई दिया, जिससे मुझे पता चला कि मैं वास्तव में बहुत भाग्यवान हूँ कि किस्मत ने मुझे उस पथरीले तट की वजह से ही रेतीली टापू पर धकेल दिया। बड़ी कठिनाई से मैं वहां से उठा और पेड़ों के एक झुंड की तरफ चला गया। वहां कुछ बेर और जड़ी बूटियां तोड़कर मैंने खाई। थोड़ा और आगे गया तो मुझे छोटा सा चश्मा मिला। उस चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा था। मैंने खूब पेट भर कर पानी पिया तो अचानक से एक आवाज सुनाई दी मुझे, एक सैनिक की आवाज, सावधान, कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैं एक मुसाफिर हूँ, तूफान में फंस गया था, डूबते डूबते बस बाल बाल बच गया हूँ और किस्मत ने मुझे इस तट पर ला फेंका। ये कौन सी जगह है,
और आप लोग कौन हैं? और फिर सैनिकों ने कहा, भाइयों, ये आदमी कहता है कि ये तूफान में फंस गया था। बहुत थका हुआ है बेचारा। और फिर एक सैनिक बोला, सज्जन, बहुत किस्मत वाले हो, इस जगह तो कोई नहीं आता। हम तो टापू के दूसरे हिस्से में रहते हैं। महीने में बस एक बार ही इस तट के चक्कर लगाते हैं हम, और हमारे शहर का रास्ता भी बहुत कठिन है। दूसरा सैनिक बोला, यार वस्त्र तो इनके कीमती लगते हैं, कोई धनवान व्यक्ति लगता है। और फिर तीसरा सैनिक बोल उठा, शक्ल सूरत से साधु व्यक्ति लगता है, चलो इसको अपने मालिक के पास ले चलते हैं। और यूं सैनिक अपने मालिक के पास मुझे ले गए। महाराजा ने जब मेरी कहानी सुनी तो बहुत दया खाई और मुझे वहाँ रहने का निमंत्रण दिया। महाराजा का शहर समुद्र से ज्यादा दूर नहीं था और वहाँ पर तरह तरह के देशों के जहाज आते जाते रहते थे। मैं भी एक दिन जहाजों के बंदरगाह। नानी, बंदरगाह किसको कहते हैं? अरे बंदरगाह मतलब पोर्ट, यानी जहाँ पर पानी के जहाजों में सामान रखा जाता है और वो बिजनेस के लिए निकल पड़ते हैं। ओके। आगे सुनो। सिंदबाद ने कहा, मैं बंदरगाह पर जाता और अपने जहाज के बारे में पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन मैं बंदरगाह पे खड़ा था कि अचानक मेरी नजर एक कपड़ों की गठरी पे पड़ी जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। अवश्य ये मेरा ही माल था। और जब मैंने जहाज पर नजर डाली तो मैंने जहाज को पहचान लिया और तत्काल मैं जहाज के कप्तान से मिला, मगर उसने मुझे देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। कप्तान बोला, भाई मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि आप सिंदबाद हैं, जबकि मैंने खुद अपने आँखों से उन्हें डूबते हुए देखा था। तो मैंने कप्तान को कहा, कप्तान साहब, क्या आपको याद है कि आपने खुद हमें नौकाओं में उस टापू पर जाने की अनुमति दी थी, और जब भूकंप आया तो हम सब पानी में गिर गए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं भी जहाज तक पहुँच जाऊँ, लेकिन तूफान के तरंगों ने मुझे आप लोगों से बहुत बहुत दूर कर दिया था। और मैंने देखा कि आपने बादवान उठा के तूफान के रास्ते से जहाज को तेजी से दूर निकाल लिया। बस उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अब आप मेरा चेहरा इसीलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि कई दिनों से मैं भूखा प्यासा रहा और धूप में मेरा रंग भी काला पड़ गया है। तो कप्तान ने कहा, अरे हाँ, बात तो तुम एकदम सही बोल रहे हो और तुम्हारा चेहरा भी कुछ पहचाना सा ही दिख रहा है। तुम सिंदबाद ही हो। बहुत खुशी की बात है कि तुम जिंदा हो। हम सबको लगा था कि तुम डूब गए। तभी सिंदबाद का दोस्त भी बोल उठा, कप्तान साहब, यही सिंदबाद है। उसने अपने दोस्त को तुरंत पहचान लिया। फिर सिंदबाद ने कहा, और यूं ही मेरा सारा सामान फिर वापस मिल गया। मैंने वहाँ के महाराजा को बहुत से उपहार दिए और बाकी सामान वहाँ के नागरिकों को बड़े अच्छे लाभ से बेच दिया। फिर इन सब लोगों को धन्यवाद करते हुए हम वापस अपने शहर के लिए रवाना हो गए और यूं मेरी पहली यात्रा खत्म हुई। तभी गरीब सिंदबाद बोला, कमाल है सर, ये तो बड़ा रोचक किस्सा सुनाया आपने। और अमीर सिंदबाद बोला, ये लो मेरे मित्र, एक सोने की अशरफी। नानी, अशरफी क्या होती है? अरे उस जमाने में जो गोल्ड के सिक्के होते थे ना बच्चों, उसे अशरफी कहते थे। तब कागज के रुपए नहीं चलते थे, समझे? ओ, समझ गए। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, अमीर सिंदबाद ने गरीब सिंदबाद को एक अशरफी दी और अगले दिन फिर आने के लिए कहा और एक साथ खाना खाने के लिए भी कहा। तो बच्चों, ये थी सिंदबाद की पहली यात्रा की कहानी। बोलो कैसी लगी? बहुत अच्छी नानी, हमें सिंदबाद की और कहानियाँ सुनाओ ना। अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन आज के लिए यही तक। ठीक है बच्चों? ओके नानी।